सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जरा बताओ, तो जल्दी से बताओ इसका। इस तरह से है बच्चों, इसका रेडियस आप सर्कुलर आर्क का रेडियस आर ले लो, करंट आई है, कितनी फील्ड है, फील्ड सेंटर पी पे कितनी है, करंट आई है, करंट आई ये सेंटर पी है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन निकालो, सॉल्व करो। इसको अगर मैं फर्स्ट वायर सर्कुलर आर्क को सेकेंड और इसको थर्ड वायर लू तो क्या आंसर है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे? बी वन कितना है? 3π/2। बी वन कितना है? व्हाट इज बी वन? बी वन कितना है? जीरो। फर्स्ट वायर की फील्ड यहां पे कितनी है? जीरो, एक्सिस पे पॉइंट है। सेकेंड वायर की फील्ड स्मॉल के आई बाई आर तो रहेगा, और ये जितना एंगल बनाए कितना बना रहा है? 3π/2। करेंट एंटी क्लॉकवाइज क्या डायरेक्शन है? डॉट फील्ड है। ठीक है, क्लियर सबको? ये जो थर्ड वायर है इस वायर के इस एंड पे पॉइंट लाई कर रहा है, और ये वायर अप टू इन्फिनिटी है, सेमी इन्फिनाइट, तो बी थ्री कितना होगा बच्चों? स्मॉल के आई बाई आर, ये डिस्टेंस आर रेडियस के बराबर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है? करेंट ऐसे जा रही है तो ऐसे है, डॉट फील्ड, डॉट फील्ड, दोनों को ऐड कर दो बच्चों, बी एट पी, बी टू प्लस बी थ्री, क्या कॉमन हुआ? स्मॉल के आई बाई आर कॉमन, 3π/2 प्लस वन, और डायरेक्शन डॉट, ये आंसर है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहीं भी, और करने का तरीका यही है। तो हम लोगों ने स्ट्रेट वायर और सर्कुलर कॉइल के क्वेश्चन किए, जो क्वेश्चन जेई नीट में इस पे पूछा गया है वो दो तीन क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को ट्राई करना, ठीक है ना? वैसे तो ये सब भी आते हैं, लेकिन जो थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा सब्जेक्टिव में, तो स्टेप सारे लिखने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो टिक कर देना होगा। ये जितने क्वेश्चन कराए अगर ये सब्जेक्टिव में आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, तो जैसे B1, B2, B3 लिख करके डायरेक्शन दिखाया, फिर ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, वो दिखाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव है तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, टिक करना है। देखो बच्चों, ऐसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्स और वाई प्लेन है बच्चों, इस
ध्यान से देखना, इस प्लेन में वायर ऐसे है और इस प्लेन में ये दोनों वायर ऐसे हैं, करंट ऐसे जा रही है, ये पॉइंट रुक जाओ थोड़ा सा, इसको ना सिमेट्रिकल टाइप में दिखाई देना चाहिए, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट थी, ऐसे दो प्लेन हो गए, एक ये वाला प्लेन ऐसे है, ऐसे दो प्लेन हो गए 90 डिग्री पे, इस वाले प्लेन में ये सर्कुलर, देखो ऐसे दो प्लेन है, इस वाले प्लेन में ये सर्कुलर आर्क लाई कर रहा है ना, और इस वाले प्लेन में ये दो दो स्ट्रेट वाले लाई कर रहे हैं, तो यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियस करेंट आई, रेडियस आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, जैसे ये दो प्लेन है सर, इस प्लेन में ऐसे सर्कुलर आर्क लाई कर रहा है और इस वाले प्लेन में ये दोनों स्ट्रेट वायर लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ये दोनों प्लेन आपस में 90 पे है ना, ये दोनों प्लेन आपस में क्या है 90 पे, तो ये दोनों सेम प्लेन में है, तो B1 और B3 तो ऐड होगा। अच्छा एक मैं बता देता हूं फिर दूसरा दूंगा तो करना, एक बता देता हूं, देखो नहीं एक बता देता हूं, एक दूंगा तो उसको करके लाना। देखो बच्चों ये दोनों प्लेन ऐसे हैं, इस तरह से है, अगर मैं इसको फर्स्ट वायर इसको सेकेंड वायर और इसको थर्ड वायर मानो, ठीक है बेटा, अगर ये प्लेन वाई है तो ये प्लेन जेड है या नहीं भाई, अगर ये वाला प्लेन वाई प्लेन है तो ये वाला प्लेन कौन सा है, जेड प्लेन है। B1 के देखो जेड प्लेन में जो फर्स्ट वायर है वो सेमी इनफाइनाइट है क्योंकि इस एंड पे तो पॉइंट लाई कर रहा है, सर, ये वायर आई नहीं, नहीं। फर्स्ट वायर की फील्ड बोलो स्मॉल के आई बाई आर, और डायरेक्शन क्या है, देखो इनवर्ड, डायरेक्शन क्या है इनवर्ड। B2 बोलो बच्चों, B2 कितना है स्मॉल के पाई आई बाई आर, डायरेक्शन क्या है इनवर्ड, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड क्रॉस B3, व्हाट इज B3, B3 कितना है स्मॉल के आई बाई आर, डायरेक्शन क्रॉस। अब ये बताओ ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है और ये दोनों सेम प्लेन के हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं B' लिखूं तो मुझे B1 और B3 को ऐड करना पड़ेगा, समझना बच्चों भाई, जो जेड प्लेन में ध्यान से देखो, जेड प्लेन में दोनों वायर हैं और दोनों की फील्ड क्रॉस है, तो इन दोनों की फील्ड आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इसको और इसको जोड़ दो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या कॉमन है स्मॉल के आई भैया। ये क्वेश्चन बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा, जेई नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज दिस क्लियर, तो स्मॉल के आई भैया पाई प्लस वन और ये दोनों क्रॉस है तो ये भी क्रॉस। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि B' और B1 के बीच कितना एंगल है, B1 प्लस B3 ना, तो स्मॉल के आई बाई आर 2 pi/r, अच्छा मैंने B2 B3 ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस होगा तो 2 i/r भाई, B1 और B3 ऐड होगा तो B1 है ये, B3 है 2 i/r, और डायरेक्शन की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्रॉस। अब मुझे ये बताओ ये जो B' है, ये B' है, इन दोनों का रिजल्टेंट B' है, वो B2 से किस एंगल पे है, 90 पे, क्योंकि प्लेन आपस में 90 पे है, समझ में आया, B' और B2 आपस में 90 पे है तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, B' और B2 आपस में 90 पे है तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से भाई, दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से। तो B@P, अगर हम B@P की बात करें बच्चों, B@P करेंगे तो अंडर रूट
बी डैश का होल स्क्वायर प्लस बी टू का होल स्क्वायर क्या आएगा बताइए, रख के बताइए। बी डैश की ये वाली वैल्यू यहां पुट करो और बी टू की ये वाली वैल्यू पुट करो, सॉल्व करने से क्या आएगा, बी डैश की आप ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो और बी टू की ये वाली वैल्यू पुट कर दो बेटा, जो कॉमन है उसको रूट के बाहर कर लो, रूट के बाहर कितना आएगा, रूट के बाहर आ जाएगा स्मॉल के आई बाई आर, और रूट के अंदर कितना होगा, इसका होगा पाई स्क्वायर और इसका होगा फोर, तो पाई स्क्वायर प्लस फोर, पाई स्क्वायर प्लस फोर, तो चार ऑप्शन जो दिए रहेंगे उसमें एक ऑप्शन ये रहेगा, इसी को टिक करेंगे, समझ में आ गया, क्लियर है ना सबको। तो अगर दो प्लेन या तीन प्लेन में वायर दिए हुए हैं तो करने का तरीका ये होगा, वेक्टर रिजल्टेंट लेना पड़ेगा उसका। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार और देख लो, वाई प्लेन और ये जेड प्लेन, वायर जो है इस तरह से लाई कर रहा है, बी वन ये हो गया सेमी इनफिनाइट है, बी थ्री ये हो गया सेमी इनफिनाइट है, बी टू के आई बाई आर इंटू पाई, क्लॉकवाइज करेंट क्रॉस 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 फिर बी वन और बी थ्री एड हो जाएगा, बी वन और बी थ्री दोनों क्रॉस है और सेम प्लेन का है तो एड होगा, बी डैश आ गया के टू आई बाई आर। अब बी डैश इस प्लेन का और बी टू इस प्लेन का आपस में 90 पे है, क्योंकि ये दोनों प्लेन आपस में 90 पे है, तो इस प्लेन की, इस प्लेन की नेट फील्ड बी डैश और इस प्लेन की फील्ड बी टू आपस में 90 पे है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लगा दिया, अंडर रूट बी डैश स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू आंसर आ गया, समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन ट्राई करके ले आना, दे रहा हूं मैं इसको, आप करके ले आना, नोट कर लिया, देखो बेटा इसको कोशिश करके ले आना, नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं। मैंने क्या किया कि एक्स प्लेन वाई प्लेन जेड प्लेन तीनों ले लिया, मैंने तीनों प्लेन एक साथ ले लिया, एक वायर ऐसे मोड़ दिया और वायर को इस तरह से कर दिया, ये सेंटर पी है, मैग्नेटिक फील्ड बताना। देखो बच्चों, ये अगर एक्स होगा तो ये वाला जो प्लेन है ये वाई हो जाएगा, समझ रहे हो बात को ना, ये प्लेन वाई हो जाएगा और ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। भाई देखो, आप जानते हो एक्स वाई जेड प्लेन इसे ही तो कहते हैं ना, ये एक्स प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है यानी एक्स प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है और ये जेड एक्स प्लेन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक्स प्लेन वाई प्लेन जेड प्लेन यही तो होता है, थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जेड प्लेन यही होता है। तो एक्स प्लेन वाई प्लेन जेड प्लेन तीनों ही प्लेन में वायर है, फर्स्ट वायर सेकेंड वायर थर्ड वायर, इनका रिजल्टेंट निकालना है, करेंट आई है रेडियस आर है, करके ले आना इसको, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, मैग्नेटिक फील्ड एट पी बताना है, सोच के करके ले आना। क्लियर बेटा, तो ये बायो सेवर्ट्स लॉ पर बेस्ड हमने स्ट्रेट वायर और सर्कुलर क्वायल के फॉर्मूले डिराइव किए, उन पर बेस्ड क्वेश्चन किया, उनके डायरेक्शंस डिसाइड किए, ठीक है। तो पहला टॉपिक यहां कंप्लीट होता है चैप्टर फोर का, सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का है, हेडिंग डाल दो बच्चों,
नहीं, इसमें बी वन बी टू बी थ्री तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट का फार्मूला जो है क्या हो जाएगा, तीनों परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर हो जाएगा, है ना। करके ले आना फिर बताओ मैं दे रहा। फर्स्ट की फील्ड बताओ, सेकंड की फील्ड बताओ, के थ्री पाई बाई पाई आई बाई टू आर और के आई बाई आर, तीनों का रिजल्टेंट ले लो, अंडर रूट बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, चलो करना। अच्छा आप देखो बच्चों, बायो सेवर्ट्स लॉ के बाद जो सेकेंड टॉपिक है, हेडिंग डाल दीजिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हेडिंग डालो सेकेंड टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। इसमें केस ए करके केस वन लेते हैं, लेट लेट ए चार्ज पार्टिकल लेट ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू मास एम ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू मास एम enter into a magnetic field capital B, enter into a magnetic field capital B at angle theta, then according to Lorentz साइंटिस्ट का नाम है Lorentz लॉ, according to Lorentz लॉ देखो बेटा जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ये चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है फील्ड में, चार्ज क्यू है मास m है, दिस चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू दिस फील्ड एट एंगल थीटा, स्टेटमेंट यही है। तो Lorentz लॉ क्या कहता है, देन अकॉर्डिंग टू Lorentz लॉ फर्स्ट f प्रोपोर्शनल टू q, Lorentz लॉ कहता है कि चार्ज कम या ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम या ज्यादा लगेगा। दूसरा सेकेंड स्टेटमेंट, एफ प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी अकॉर्डिंग टू Lorentz लॉ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज, according to Lorentz law, magnetic force acting on the particle is, पहला लिखो बच्चों F proportional to Q, दूसरा लिखिए F proportional to magnetic field। क्या मतलब है कि अगर magnetic field strong होगी तो charged particle पर magnetic force ज्यादा लगेगा। तीसरा point है
एफ प्रोपोर्शनल टू वी, अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगा. इज दिस क्लियर? और लास्ट स्टेटमेंट था एफ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. ये चार स्टेटमेंट लॉरेंज लॉ के नाम से जाना जाता है, और अगर इनको कंबाइंड कर दे बच्चों, चारों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर दे, तो हमें एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मिल जाता है क्यू वी बी साइन थीटा, जहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वन है. कंबाइंड इन सबको कंबाइंड कर दे तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, और यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना है? वन है. दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है बेटा? अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, एफ वेक्टर, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं बच्चों, एफ वेक्टर लिखना चाहूं, तो मुझे क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना पड़ेगा. क्यों? डॉट प्रोडक्ट, डॉट V डॉट B क्यों नहीं लिखना पड़ेगा, क्रॉस क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि A क्रॉस B का फार्मूला AB साइन थीटा होता है बच्चे. A क्रॉस B का फार्मूला AB साइन थीटा होता है. तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव ऑन द चार्ज पार्टिकल का फार्मूला है F वेक्टर इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. Is this clear? Yes. Is this clear, बेटा? तो ये तो केस वन हुआ. अब यहां पे बात आती है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा. हाउ विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स? तो उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है. लिख लो बच्चों, direction of this magnetic force will be